हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो मैं बहुत दिन बाद एक बड़ा व्लॉग लेके आई हूँ। मैं आज जा रही हूँ उड़ीसा, यानी कि मैं जा रही हूँ पुरी। ये पुरी में मेरा फर्स्ट टाइम है एंड हम लोग का ट्रेन था रात को 10:30 बजे। ये हावड़ा पुरी स्पेशल फास्ट कोई एक्सप्रेस ट्रेन था और हम लोग जा रहे हैं अभी हावड़ा उबर बुक करके। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एक नया सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। सो इस जर्नी में आप लोग हमारे साथ जा रहे हैं, लेट्स गो। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए हावड़ा स्टेशन। वहाँ पे पहली हम लोग ने लिया चाय। इस स्टेशन में बहुत ज़्यादा भीड़ था, फिर हमारा ट्रेन भी आ गया और हम लोग ट्रेन बोर्ड भी कर लिए। सुबह होते पहुँचने वाले थे पुरी। ये है पुरी का रेलवे स्टेशन, हम लोग पुरी आ गए हैं। पुरी से कोलकाता का डिस्टेंस है 430 किलोमीटर और ये ट्रेन में कवर करता है 9 घंटे में। पुरी में सी बीच है, तो ये सी बीच के पास में सिटी है। हम लोग ने वहाँ से लिया एक मैजिक गाड़ी जिसने लिया 300 रुपया हमको होटल छोड़ने के लिए। हमारा हॉलीडे होम था जिसका नाम था बानी भवन, हम लोग वहाँ पे स्टे कर रहे थे। ये हमारे होटल के बैल्कनी से सी बीच का व्यू आता है, बहुत अच्छा लगा मुझे। तारीफ था होटल का 700 पर रूम, उतना हाईफाई आपको रूम नहीं मिलेगा। रेडी हो गए, बीच में जा रहे हैं। फर्स्ट काम है नहाना, हम लोग नहाने के लिए जा रहे हैं। सो हम लोग ने ऑटो बुक किया एंड ऑटो पहले लिया 100 रुपीज़। पहले हम लोग जाएंगे ब्रेकफास्ट करेंगे। ये रोड साइड में हम लोग ने ब्रेकफास्ट का ऑप्शन चूज़ किया। यहाँ पे मैंने खाया इडली वड़ा, उसके साथ उन लोग घुघनी देते हैं एंड उसके साथ इडली वाला चटनी भी देते हैं। टेस्ट में बहुत अच्छा है और ये बस 30 रुपीज़ लिया एंड ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सो मैंने ये बहुत अच्छी तरीके से इन्जॉय किया, एकदम हेल्दी भी लगा। वड़ा हेल्दी नहीं है पर इडली हेल्दी होता है। बोलते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो इसीलिए मैंने एक नारियल पानी भी पिया और यहाँ का नारियल पानी बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत डिफरेंट लगा कोलकाता से। फिर मार्केट के बीच से हम लोग चलते चलते रेत में दबते दबते गए बीच के पास। वहाँ पे हम लोग ने कैमल राइड भी किया जिसका क्लिप नहीं है मेरे पास, पर क्योंकि मैं कैमल के ऊपर बैठी थी। फिर हम लोग गए भी एक पानी के पास। मैं कुछ देर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा स्टेप लेते हुए जा रही थी पानी के पास एंड धीरे धीरे मैंने पानी को एब्जॉर्व किया एंड फिर मैं नहाई। ये मैं पापा के साथ इंजॉय कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। ये फर्स्ट टाइम मेरा पुरी में भी है, मैं बोल सकती हूँ कि अच्छा मतलब नहाने वाला फर्स्ट टाइम है शायद। मैं इससे पहले नहाई हूँ दीघा में, पर वो उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे याद नहीं है। तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया और मैंने याद भी रखा, ये मेमोरी में रह गया मेरा फर्स्ट टाइम। मैं नहाई एंड घर आते ही देखी कि सब कुछ में ये रेत घुस गया है, हर कपड़े में, हर मैं पूरा रेत रेत, हर कोई जो जो नहाता है वो रेत रेत हो गया। बीच में कुछ देर इंजॉय करने के बाद और बैठने के बाद हम लोग आ गए होटल एंड यहाँ मैं खा रही हूँ मालपुआ। सी देखते देखते और हमारे होटल के सामने थे बहुत सारे पपीज़, मुझे एक्चुअली डर भी लगता है पपीज़ से। फिर हम लोग निकले, ये गुप्त वृंदावन बोल के एक जगह है, कुछ देर दूर, पूरी का मेन में नहीं है, पूरी से थोड़ा कुछ किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर है वो आपको स्क्रीन में दिखेगा। तो मैं यही गई थी गुप्त वृंदावन। इसमें वृंदावन को मिनी साइज में बनाया हुआ है, मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं है इसलिए क्लीनलीनेस नहीं है, बट बहुत सुंदर बनाया हुआ है। हर एक स्टैचू, हर एक भगवान के मूर्ति है वहाँ पे एंड बहुत सारे जो हमारे माइथोलॉजिकल सीन्स हैं उनको भी इन लोग ने बहुत अच्छी तरीके से पोर्ट्रे भी किया है। जस्ट ये क्लीन नहीं है, यही प्रॉब्लम है। यहाँ पे घुसने के लिए आपको लगेगा 10 रुपये और यहाँ पे जाने के लिए आपको ऑटो या टोटो वगैरह बुक करके जाना पड़ेगा। गुप्त वृंदावन का दर्शन करने के बाद हम लोग डायरेक्ट आ गए जगन्नाथ टेम्पल में। आज हम लोग विजिट करने नहीं वाले थे, अंदर नहीं जाने वाले थे, पर आज हम लोग इसलिए आए शाम की तरफ क्योंकि यहाँ पे शाम को हर रोज़ जो फ्लैग है ऊपर का, जो ध्वज है इनका, ये चेंज होता है। हर रोज़ एक दो जन ऊपर चढ़ते हैं, इसको चेंज करते हैं। ये देखने लायक एक चीज़ है कि कैसे उन लोग इतना ऊपर चढ़ जाते हैं, जबकि जगन्नाथ टेम्पल बहुत बड़ा टेम्पल है। आप लोगों को अगर नहीं पता है तो जगन्नाथ टेम्पल पुरी का मेन अट्रैक्शन है। ये देखिए फ्लैग चेंज हो गया और येलो से आज रेड कलर का फ्लैग लगा है।
टेंपल से जा ही रहे थे कि मेरा चप्पल गया टूट, तो मुझे वहाँ पे फिर से एक नया जूता खरीदना पड़ा। ये एपिक सीन हो गया। फिर हम लोग इधर उधर शॉपिंग कर रहे थे, मतलब मन ये जो बीच के पास वाला मार्केट होता है, पूरी का सी बीच मार्केट, यहाँ पे इधर उधर घूम रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे। यहाँ पे आपको बहुत तरीके के सी में पाए जाए स्पेशल स्पेशल चीज़ें भी मिल जाएगी, शी सेल्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर गए सी बीच के पास, कुछ देर बैठे, सी बीच के पास ऐसे खाने के बहुत दुकान है, तो मैंने यहाँ पे लिया एक मिक्स चाट जो कि घुगने से बनता है, मुझे बहुत टेस्टी और यम्मी लगा, क्रंची क्रंची भी था। और यहाँ पे सब कोई भाग रहे क्योंकि पानी आ गया था। फिर हम लोग गए एक रेस्टोरेंट जिसका नाम था होटल दरबार, वहाँ पे हम लोग ने अपना डिनर ऑर्डर किया जो कि था रोटी और तड़का, वो खा के हम लोग होटल वापस आ गए। ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग।